वही स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट नाइन न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट सुगत और आज मैं आप सभी के लिए भाई एक गुड न्यूज लेकर आई हूं और हमारे इस प्रोग्राम का नाम भी गुड न्यूज है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं भाई, हमारे इस प्रोग्राम का नाम गुड न्यूज है, तो इससे ये साफ हो जाता है कि आज आपको एक ऐसी गुड न्यूज जानने को मिलेगी जिसे सुनने के बाद आप भी खुशी से फूले नहीं समाएंगे। और आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे बॉलीवुड के दबंग सलमान खान और उनकी चहेती यानी कि कैटरीना कैफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सलमान खान और कैटरीना कैफ का प्यार एक टाइम पर आसमान छू रहा था। इन दोनों की लव स्टोरी भाई काफी कमाल की रही है। हालांकि अब खबर तो ऐसी है कि ये दोनों रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप में ना होने के बावजूद भी इन दोनों की केमिस्ट्री वाकई लाजवाब है और इन दोनों ने हाल ही में एक काफी बड़ी गुड न्यूज दी है। फैंस उस गुड न्यूज को सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे, फूले नहीं समाएंगे। सलमान खान और कैटरीना कैफ के फैंस तो भाई यही चाहते हैं कि सलमान और कैटरीना जल्द से जल्द शादी कर ले, लेकिन ये गुड न्यूज क्या है ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा एक खास प्रोग्राम। तो फिर देरी किस बात की, चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते हैं नजर सलमान और कैटरीना की गुड न्यूज पर कि भाई आखिरकार इन दोनों ने अपने फैंस को क्या गुड न्यूज दी है। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के दबंग सलमान खान और उनकी चहेती और बॉलीवुड की सबसे सेक्सी और हॉट एक्ट्रेस कहलाए जाने वाली कैटरीना कैफ का रिश्ता तो भाई काफी ज्यादा पुराना है। वहीं फैंस भी इन दोनों के रिलेशनशिप को काफी ज्यादा पसंद करते हुए नजर आते हैं। भाई ये तो सभी जानते हैं कि सलमान खान एक टाइम पर कैटरीना कैफ के प्यार में काफी ज्यादा पागल हो गए थे, लेकिन इन दोनों के ब्रेकअप को काफी ज्यादा टाइम हो गया है और ब्रेकअप की वजह सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर को बताया जाता है। आपको बता दें कैटरीना कैफ पहले तो सलमान खान को डेट कर रही थी, उसके बाद उनकी जिंदगी में आए चॉकलेटी बॉय कहलाए जाने वाले रणबीर कपूर और उसके बाद से ही कैटरीना कैफ को रणबीर कपूर से प्यार हो गया। लेकिन भाई रणबीर कपूर से भी ब्रेकअप होने के बाद कैटरीना कैफ वापस से अपने पहले प्यार यानी कि सलमान खान के पास वापस लौट गई, जिसके बाद से फैंस भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। और आज मैं अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको यही बताने वाली हूँ कि आखिरकार सलमान और कैटरीना ने हाल ही में अपने फैंस को एक क्या गुड न्यूज दी है। जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों कैटरीना कैफ और सलमान खान बेहद करीब आ चुके हैं। हालांकि इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से दोनों साथ में नजर आते हैं वो वाकई काफी प्यारा पल दिखाई देता है। जिस तरीके से ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं उससे तो यही साबित होता है कि आज भी कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन भाई आज जो हम आपको एक बात बताने वाले हैं उसको सुनने के बाद आप भी खुशी से फूले नहीं समाएंगे। दरअसल सलमान और कैटरीना एक बार फिर से साथ में नजर आने वाले हैं। अब वो साथ में कैसे नजर आएंगे ये काफी दिलचस्प है। जी हाँ, आपको बता दें सलमान और कैटरीना रैंप वॉक करते हुए यानी कि सालों बाद रैंप वॉक पर नजर आएंगे। ये तो सभी जानते हैं कि कैटरीना कैफ और सलमान खान डेट कर रहे थे, लेकिन बावजूद उसके आज भी ब्रेकअप हो जाने के बाद भी सलमान और कैटरीना एक दूसरे के बेहद करीब हैं। आपको बता दें पिछले ही दिनों द बैंक टूर के दौरान जिस तरीके से सलमान और कैटरीना की बॉन्डिंग देखने को मिली, जिस तरीके से स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रहे थे और जिस तरीके से काफी ज्यादा कोजी कोजी नजर होते हुए आए थे, वो वाकई इससे ये साबित हो गया कि भाई सलमान और कैटरीना कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्यार तो करते जरूर है। वहीं आपको बता दें कैटरीना कैफ भी इन दिनों सलमान खान को इम्प्रेस करने में लगी हुई है। दरअसल बीते दिनों सोशल मीडिया पर कैटरीना कैफ का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कैटरीना कैफ को बीच सड़क इंसल्ट होना पड़ा था। दरअसल सलमान खान के फैंस थे जिन्होंने कैटरीना कैफ को बीच सड़क थोड़ा सा बेइज्जत कर दिया था। उन्होंने साफ साफ कैटरीना को ये बोल दिया था कि हमें आपके साथ नहीं बल्कि हम सलमान का वेट कर रहे हैं और उन्हीं के साथ फोटो क्लिक करवाना चाहते हैं, जिसके बाद से कैटरीना कैफ भी काफी ज्यादा भड़क गई थी। वहीं
ये पूरा किस्सा था बैंक टूर के दौरान हुआ था। और उसके बाद से भाई कैटरीना कैफ सलमान खान को इम्प्रेस करने में लगी हुई है। वहीं अगर खबरों की माने और कयास तो भाई यही कहते हैं कि कैटरीना कैफ कहीं ना कहीं मिसेस खान बनने के लिए यानी कि सलमान की दुल्हन बनने के लिए तैयार हो गई है। खान परिवार में वो दुल्हन बन के अपनी एंट्री लेना चाहती है। वही फैंस भी यही चाहते हैं कि कैटरीना और सलमान एक हो जाए, क्योंकि इन दोनों का ब्रेकअप तो हो गया है, लेकिन जिस तरीके से साथ में रहते हैं, जिस तरीके से एक दूसरों की आंखों में देखते हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है कि भाई ये कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से शायद कहीं एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे। और जो हाल ही में ये दोनों एक खुशखबरी देने वाले हैं, अब हम आपको उसके बारे में बता दें, क्योंकि भाई हम जानते हैं आप इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको बता दें भाई, सलमान खान और कैटरीना कैफ की ऑन स्क्रीन से लेकर ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग का ऑडियंस कितना पसंद करती है ये तो भाई किसी से छुपा नहीं है। फिल्म मैंने प्यार क्यों किया, एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है जैसी फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री ने तो बस कमाल ही कर दिया था। फिल्म को मिली हाई सक्सेस के पीछे सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री भी एक अहम किरदार निभाती है। पता चला है कि सलमान और कैटरीना एक बार फिर से अपना जलवा दिखाने लौट रहे हैं। बहुत जल्द आप सलमान और कैटरीना को देख सकेंगे। बस फर्क इतना होगा कि इस बार ये किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि एक फैशन शो के लिए साथ नजर आएंगे। जी हाँ, बॉलीवुड के जाने माने फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा हर साल नए स्टाइल और स्टार पावर से सजे ग्लैमरस शोज ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने शो में बी टाउन के फाइनेस्ट स्टार्स को लेकर आते हैं। इस बार सलमान और कैटरीना की जोड़ी से अपने शो का लेवल बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं मनीष मल्होत्रा। जी हाँ, अगर खबरों की माने तो मनीष मल्होत्रा का ये शो अगस्त के पहले हफ्ते में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आपको याद दिला दें कि इस साल मनीष मल्होत्रा के लिए रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण ने रैंप वॉक किया था, लेकिन भाई हाल ही में जो खबर सामने आई है, हाल ही में जो कह सकते हैं खुशखबरी सामने आई है, वो ये सामने आई है कि सलमान खान और कैटरीना कैफ इस बार रैंप वॉक पर वॉक करेंगे। वही अगर इन दोनों के रिश्ते के बारे में बात की जाए तो भाई आपको बता दें कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बेहद कंफर्टेबल है और पिछले दिनों यानी कि एक टाइम पर कैटरीना कैफ से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा भी गया था कि वो किसके साथ काम करने में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं, तो उनका जवाब सिर्फ और सिर्फ सलमान खान ही था। आपको बता दें सलमान खान और कैटरीना कैफ की बॉन्डिंग वाकई काफी मजेदार है। आए दिन जब इन दोनों को साथ में देखा जाता है तो सोशल मीडिया पर फैंस सिर्फ यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जल्द से जल्द दोनों शादी कर ले। वहीं जिस तरीके से कैटरीना कैफ सलमान को इम्प्रेस करने में लगी हुई है और जिस तरीके से सलमान खान भी कैटरीना से अपने प्यार का इजहार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, उससे तो वही यही लग रहा है कि सलमान और कैटरीना शायद शादी कर ले। और हम भी भाई यही चाहते हैं कि ये दोनों जल्द से जल्द शादी कर ले और कैटरीना कैफ सलमान की दुल्हन बनकर उनके घर चली जाए, यानी कि खान परिवार की बहू बन जाए। इसके बाद तो भाई हर कोई खुशी से फूला नहीं समाएगा। सलमान और कैटरीना कैफ की फैन फॉलोइंग का तो क्या जवाब भाई, इन दोनों की फैन फॉलोइंग तो काफी ज्यादा आसमान छू रही है। वहीं इन दोनों का प्यार भी काफी ज्यादा आसमान छू रहा है, जिसके बाद से हर कोई यही चाहता है कि ये दोनों भाई जल्द से जल्द शादी कर ले। जब भी ये दोनों साथ में दिखाई देते हैं तो एक कपल की तरह ही पोज देते हैं। वहीं द बैंड टूर के दौरान ही पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, जिसमें एक ही कप में ये दोनों कॉफी पीते हुए दिखाई दिए थे और काफी ज्यादा क्यूट नजर आ रहे थे। अब इन दोनों की ऐसी क्यूट क्यूट हरकतों से तो भाई यही लग रहा है कि ये दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और शायद जल्द से जल्द शादी भी कर ले। किस तरीके से भाई सलमान खान और कैटरीना कैफ का प्यार एक बार फिर से आसमान छू रहा है। इन दोनों की लव स्टोरी भाई काफी ज्यादा आसमान छू रही है। वहीं फैंस भी यही चाहते हैं कि भाई आखिरकार ये दोनों शादी कर ले और कैटरीना कैफ सलमान खान की मिसेस खान बन जाए। वहीं जो खुशखबरी आपको जानने को मिली, ये वो खुशखबरी है जो सालों बाद
फैंस के दिलों पर राज करने वाली है। दरअसल आपको बता दें, सलमान खान और कैटरीना कैफ सालों बाद रैंप वॉक पर एक साथ दिखाई देंगे, या फिर यूं कहें कि ये दोनों रैंप वॉक पर एक हो जाएंगे। लेकिन भाई फिलहाल तो वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, पर इस वादे के साथ ले रहे हैं आपसे विदा, जल्द होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बी टाउन की और भी कुछ मजेदार गुड न्यूज के साथ। तब तक के लिए आप देखना ना भूले नेक्स्ट नाइन न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।